देख के नहीं चल सकते क्या तुम? देख के नहीं चल सकते? गोम साहब, आप यहाँ कैसे? क्यों प्रॉब्लम हो रही कोई क्या? लेकिन आप लोग तो मुंबई में थे ना? हम अभी भी बॉम्बे में हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक ही समय में दोनों जगह हो सकते हैं कैसे? हम भूत हैं। क्या है हम? भूत है हम, तुम्हें दिखाई नहीं दिए, ये बात याद रखना। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं। कौन सा चक्कर? मैं अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखता हूँ। गुड, दोनों में फायदा होगा तुम्हारे। फायदा? कैसा फायदा? देखो, तुम्हारा और रिसोर्ट दोनों का फायदा होगा। रिसोर्ट का फायदा हो सकता है, मेरा कुछ फायदा नहीं है। क्यों, रिसोर्ट का फायदा सुनकर तुम डिप्रेस क्यों हो गया? मैं किसी इनडायरेक्ट फायदे में यकीन नहीं करता। एक मिनट, तुम्हारा चेहरा क्यों अलग सा लग रहा है? इधर इधर दिखा, इधर दिखा। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा टूट गया, गिर गया। बनने को दिया मैंने। पहनते थे ना तुम? हाँ पहनता था। दिया तुम्हें? दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नजदीक का था। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। सुनो सुनो, मैंने क्या कहा? किसी को बताऊंगा नहीं। बिल्कुल मत बताना। चश्मा पहनता था ना ये? मेजर साहब, मेजर साहब। सर क्या किया? सर दरअसल बात कुछ ऐसी है। क्या हुआ? सर देसाई पर हमला हुआ। तब? अभी थोड़ी देर पहले। वो ठीक तो है ना? सर बस बाल बाल बच निकला है। मुझे लग रहा था कि कातिल ने यह इसका फायदा उठाया। सर इस पर हैरानी की बात यह हुई है कि कातिल ने एक तेज धार वाले हथियार से हमला किया, जबकि तिवारी और कुकरेजा के वक्त उसने जहरीले नाखूनों का इस्तेमाल किया था। सी। अरे कातिल हमें गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। हो सकता है। शिंदे साहब, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है? सर देसाई अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसके कमरे के बाहर दो गार्ड्स पहरा दे रहे थे। कातिल ने पहले गार्ड्स पर हमला किया, उन्हें बेहोश किया, फिर देसाई पर हमला किया। देसाई अपनी जान बचाकर लॉबी में भागा। बस कातिल लॉबी में आते ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। मुझे लगता है कि क्या सर? मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके साथ सब शेयर करूंगा, लेकिन तस्वीर अब काफी क्लियर होती जा रही है। Thank you.